हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आप सभी के लिए खुशखबरी है, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म या फिर सीनेट एप्लीकेशन फॉर्म आज से रिलीज़ हो चुके हैं। आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सबसे बिग अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पिरेंट कोशिश कर रहे थे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है कि इस बार आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम मोड ऑफ लैंग्वेज दोनों है, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश। और सबसे बड़ी बात है इस अटल बिहारी यूनिवर्सिटी की, इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होंगे। तो आप यूपी में हो और यूपी में आप पीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये फॉर्म आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। आप इस फॉर्म को फिलअप कर दो। अभी स्टार्टिंग में मत फिल करना, मेरी तरफ से मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से समझ लेना तभी फिल करना, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल कर दोगे जो भी मिस्टेक्स होगी वो आगे चल के करेक्ट नहीं हो पाती, फिर आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो कैंसिल हो सकता है। इसीलिए आपको वो मिस्टेक से बचने के लिए पहले सारी जानकारी होनी चाहिए, फिर स्टार्ट होना चाहिए। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की मिनिमम एज 17 है, 17 से अबव स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करिए। साथ ही साथ इसकी फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 3000 फीस है यूआर की ओबीसी कास्ट की और 2000 फीस है आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की। सबसे मेन बात, इसको आप पोर्टल साइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। पोर्टल साइट आपकी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी .education.in। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में डालेंगे तो आपका आएगा abvmuup.edu.in। इसके बाद आप जब स्क्रॉल करेंगे, डेस्कटॉप साइट में भी जा सकते हैं, आप स्क्रॉल करेंगे फिर आपका आएगा एक इंपॉर्टेंट ब्रॉचर जो होगा आपका बीएससी नर्सिंग का। फिर आप उसको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको बीएससी नर्सिंग ब्रॉचर मिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आप सबकी मानेंगे, मुझे पता है क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट आप खुद उस ब्रॉचर को खुद से एक बार ज़रूर पढ़िएगा। उस ब्रॉचर में साफ साफ लिखा है कि मिनिमम एज कितनी है, उसके फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे कितने, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, साथ ही साथ सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो इस बार 18 सेंटर हैं जो कि लिस्ट करें, उसमें आप खुद देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहा है और आपका ये मई तक रहेगा, 29 मई तक आपका रहेगा। और आपके एडमिट कार्ड का 5 जून दे रखा है, वो की टेंटेटिव डेट है, मतलब कि वो चेंज हो सकती है, इसलिए आप उस पर मत रहो। लेकिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 14 जून को होगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जीके आएगा, तो ये 6 सब्जेक्ट्स आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगा। और आपको इन 6 सब्जेक्ट्स में अपना बेस्ट देना है क्योंकि हर किसी का रेशियो ही आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करा सकता है अच्छे से। उसके बाद के जो भी काउंसलिंग डिटेल्स होंगी, जो भी फॉर्म अप फिल की डिटेल्स होंगी, वो मैं आप सभी के साथ अपडेटेड रहूँगी, मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। और कोई डाउट हो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।